एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल और गॉर्जियस है। इसको आप डे टाइम में भी कैरी कर सकते हो, नाइट टाइम में भी कैरी कर सकते हो। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का जो मेरा वीडियो है ना, काफ़ी जगह से ना ब्लर हो गया है। तो सबसे पहले मैंने ये ग्रीन टी टोनर लिया है बाय गुड वाइब्स, और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे करने के बाद पैट करूंगी, जिससे कि वो अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं एक्वालॉजिका का नरिशिंग क्रैम ले रही हूँ अपने फेस को हाइड्रेट और अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर, आप इसको फेस और बॉडी दोनों पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ना आज बहुत ही न्यूड काइंड ऑफ स्मोकी लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेके उसको अपने ट्रांजिशन एरिया पे ब्लेंड करूँगी, बहुत ही स्लोली स्लोली, जैसे आपको विजिबल है वीडियो में। तो मैं बहुत धीरे धीरे इसमें ब्लेंड करूँगी। उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसको अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करने के बाद सॉफ्ट हैंड से बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और आई मेकअप करने से पहले आपको एक बेस लगाना है, तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था, उसके बाद ही आई शेडो अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कलर बार काजल एज आई लाइनर। तो इसको मैं बहुत ही पतली सी लाइन ड्रॉ करूँगी अपने लैश लाइन के पास में, और उसको अच्छे से एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से स्मोक आउट करूँगी, इसको मैं स्मज करूँगी। तो उसके बाद आपको इस तरीके से काजल अप्लाई करना है और स्लोली स्लोली इस तरीके से स्मज करना है। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल स्मोकी आई लुक टर्न आउट हो जाएगा। और उसके बाद आपको कोई भी अपना फेवरेट मस्कारा लेके आपके लैशेस को अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे कि आपके आईज ओपन अप लगें और आपके लैशेस पे अगर कोई भी आई शेडो है तो वो भी अच्छे से हट जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन। ये एग्जैक्ट मेरे शेड का है, तो मैं इसको अच्छे से लेके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। मुझे ये फाउंडेशन मतलब मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए तो आप इसको अप्लाई मत करिएगा, लेकिन आपको मीडियम कवरेज चाहिए और 2 से 3 घंटे का ही मेकअप करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। यहाँ पर मैंने मेबेलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ करा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कैलिफोर्निया का ब्लश। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आज ना इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ ब्लश अप्लाई किया है, कोई ब्राउन्ज़र अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद मैं यूज़ कर लूँगी वाइट काजल अपने आई को थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और देन मैं अपने ब्राउन शेड को स्मज कर लूँगी अपने लोअर लैश लाइन पे। उसके बाद ये स्विस ब्यूटी का पैलेट लेके इसमें से हाइलाइटर शेड लेके अपने हाइएस्ट पॉइंट पर लगाऊंगी, अपने चीक बोन्स पे, अपने फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे। उसके बाद लास्टली मैं ये एक ब्राइट सा लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आईज़ को और फेस को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रखा है, इसलिए हम थोड़ा लिप्स पे कलर डालेंगे जिससे कि हमारा मेकअप और सुंदर लगे। यहाँ पे मैंने माई ग्लैम की लिपस्टिक और लिप लाइनर यूज़ करा है और अच्छे से फिल इन कर लूँगी लिप्स पे। और आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल मेरा मेकअप टर्न आउट हुआ है, एक दूसरे को कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरा आई मेकअप, मेरे लिप्स, मेरा बेस मेकअप देखिए कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप करोगे तो आपका ही मेकअप इस तरीके से टर्न आउट होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना मत भूलना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।